हेलो दोस्तों, आप सबका हमारा अपना चैनल हाउस प्लान अड्डा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22x25 फीट वन स्टोरी हाउस प्लान के बारे में। इस 550 स्क्वायर फीट के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर हमें मिलता है लिविंग एरिया, किचन, डाइनिंग एरिया, कॉमन टॉयलेट, बाथ। फर्स्ट फ्लोर पर हमें मिलता है 2 बेडरूम्स, कॉमन टॉयलेट, बाथ, बालकनी एंड लैड एरिया। हम एक एक करके दोनों फ्लोर को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर जिसके स्टार्टिंग में हमें मिल जाता है छोटा सा पार्किंग, जिसका मेजरमेंट है 8 फीट 4 इंच x 7 फीट। एक छोटा पार्किंग है, आप देख सकते हो। इंटर जैसे ही करते हैं तो हमें मिलता है पार्किंग, उसके बाद मिलता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया जिसका मेजरमेंट है 12 फीट x 12 फीट 9 इंच। यह है लिविंग एरिया, बड़ा है ये। इस लिविंग एरिया में हमें मिलता है कॉमन टॉयलेट, बाथ, जिसका मेजरमेंट है 8 फीट 4 इंच x 6 फीट 8 इंच। लिविंग एरिया के जस्ट आगे हमें मिलता है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया जिसका मेजरमेंट है 11 फीट 10 इंच x 10 फीट 5 इंच। इसमें लैडर का एरिया इंक्लूडेड है। इसके बगल में है किचन, जिसका मेजरमेंट है 8 फीट 6 इंच x 11 फीट 7 इंच। किचन में काफ़ी स्पेस है, आप देख सकते हो। इसमें फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह इजिली रख सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जो काफ़ी बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी ओपन स्पेस भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में मिलता है 2 बेडरूम्स, 1 कॉमन टॉयलेट, बाथ, बालकनी एंड लैडर एरिया। सबसे पहले देखते हैं लैडर एरिया, जिसका मेजरमेंट है 8 फीट 4 इंच x 15 फीट। इसके बाद हमें मिलता है बेडरूम नंबर 1, जिसका मेजरमेंट है 12 फीट x 11 फीट 7 इंच। इस बेडरूम में 2 खिड़कियां हैं। बेडरूम नंबर 2, इस बेडरूम में भी 2 खिड़कियां हैं, जिसका मेजरमेंट है 12 फीट x 12 फीट 9 इंच। इस बेडरूम में हमें मिल जाता है बालकनी। इस बालकनी में आप देख सकते हो, इस बालकनी का स्पेस है 9 फीट x 4 फीट 9 इंच। बालकनी के पीछे हमें मिलता है कॉमन टॉयलेट, बाथ। इस कॉमन टॉयलेट बाथ का मेजरमेंट है 8 फीट 4 इंच x 5 फीट। दोस्तों, ये था आज का हाउस प्लान। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।